सो हेलो हिप हॉप के दीवानों, कैसे हो भाइयों आप सब। शुरू करते हैं स्टैन से रिलेटेड अपडेट से। तो एल्वेश यादव ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में स्टैन के बारे में बात करी है। बेसिकली वो बिग बॉस एंड अपने फ्रेंड फुकरा इंसान के बारे में बात करते हैं। उनका कहना था कि बिग बॉस अगर रियल हुआ तो जिस तरह स्टैन के फैंस ने उनको वोट करके जिता दिया तो फुकरा इंसान भी जीत सकते हैं। मैं एक छोटी सी क्लिप आपको दिखा देता हूँ। और जहाँ तक मैंने तुम्हें बता दिया कि जीत सके या ना जीत सके, वो तो डिपेंड करता है कि शो कितना रियल है, समझे। अब एमसी स्टैन जीता तब मेरे को लगा कि रियल तो है, क्योंकि उसकी पब्लिक ने वोट करा। कि एमसी स्टैन ने वैसा अंदर कुछ करा नहीं था उतना खास, पर फिर भी जीता, समझ रहे हो ना, क्योंकि पब्लिक पावर। तो सेम अपना फुकरा भाई के साथ है पब्लिक पावर भी, और भाई कुछ कर भी रहा है। खैर इसके अलावा स्टैन ने आज एक स्टोरी शेयर करी सिंगर जानी के साथ एंड लिखा है ऑन दी वे लिंक अप गैंग। मे बी शायद जो उनका बी प्राग के साथ कोलैब आने वाला था उसमें बी प्राग के लिरिक्स जानी के हो सकते हैं, बाकी देखते हैं आगे। नेक्स्ट अपडेट, एमी वे ने अपने एक और अनरिलीज ट्रैक का स्निपेट शेयर करा था, आप लोग सुन लो। नेक्स्ट अपडेट डिवाइन की तरफ से, तो जो डिवाइन का ट्रैक आ रहा है सिद्धू मूसेवाला के साथ चोरनी इसी हफ्ते, वो ट्रैक सिद्धू भाई के चैनल से आएगा, ऐसा डिवाइन एंड सिद्धू भाई के फैंस ने कंफर्म करा है कहीं से। इसके अलावा एमसी अल्ताफ ने भी चोरनी ट्रैक सुन लिया है, उन्होंने अपने इंस्टा लाइव पे कुछ ऐसा कहा। भाई चोरनी सुना क्या नहीं? अरे भाई सुन लिया मैंने ब्रो, चोरनी इतना हार्ड गाना है ना, मैं क्या बताऊं तुम लोग को यार। मतलब मैं सबसे ज्यादा डिवाइन भाई का वो रिलीज है, लेकिन मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो रिलीज के लिए, क्योंकि क्या सिद्धू ने राइड किया ब्रो। मिक्स वर्जन सुन के तो पब्लिक पागल होने वाली है मेरे को लग रहा है। नेक्स्ट अपडेट किटशॉट की तरफ से, तो उनसे Q&A में पूछा गया एल्बम कब, किटशॉट ने कहा है वर्किंग ऑन इट। एक और क्वेश्चन था अपकमिंग कोलैबोरेशंस के बारे में, किटशॉट का कहना है अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशंस ऑन दी वे। इसके अलावा रागा एंड मूफाड़ का जो कोलैब आने वाला है, तो रागा ने एक पिच शेयर करते हुए कहा है तबाही करने का समय मूफाड़ के साथ, कीप एन आई ऑन दिस वन स्पेशली रूथलेस साइड ऑफ नॉर्थ। खैर कुछ और क्विक अपडेट्स, यावर ने बताया कि वो अपनी डेब्यू एल्बम पे काम कर रहे हैं, इसी वजह से वो पिछले कुछ टाइम से ड्रॉप नहीं कर रहे कुछ। तला अंजुम का विश टू डाई फ्री स्टाइल आउट हुआ है विद सैवेज एंड शारे। सिकंदर भाई का ट्रैक SSA म्यूजिक वीडियो के साथ आउट हुआ है। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।